लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चौधरी साहब, एक तो बस साइन करो इन पेपर पे। मोबाइल टावर लागते ही घर बैठे खाओ। पापा पापा, अरे इब क्या हो गया? देखो वो खेत में क्या हो रहा है। ये चोरी की कर रही है। ए मिक्की, रोक किसने? रोक। पापा, आज फिर मंगलवार से। अरे तू मंगलवार के दिन में चोरियां का हाथ ना ला सकूं। मैं तेरा मंगलवार तार दूंगा। ए चोरी, रुक जा रे। ताऊ, बहुत कर ली तेरी इज्जत। इब तू सुन, योरा कोर्ट का स्टे ऑर्डर। इब जब तक कोर्ट का फैसला ना आ जाता, एक मुट्ठी माटी ना उठा लिए इस खेत से, ना तो तेरी ये हालत करूंगी ना कि ताई के भी पहचान में ना आवेगा। छोरी, जबान संभाल के बात कर। ताऊ, जबान बड़ी संभाल ली, इब ना तू मने हाथ संभालने को बोल। ए छोरी, ज्यादा मत ना उड़े, पंख काटण में देर ना लगेगी हमने। तू भी ना ज्यादा ना फुदके, ना तो तेरी औकात दिखाने में ना मने भी देर ना लगेगी। समझ गया के? भाई साहब, इसमें एक दो कागज जोड़ लेते तो। यो ले जयदेव। यो कैसे बापू? यो वो कागज से बेटा, जिस खातर तू पिछले 10 साल से लड़ाई लड़ रहा से। अरे भाई साहब, ये तो अपनी जमीन का कोर्ट का स्टे ऑर्डर है। कक्का, यो चमत्कार कैसे होया? ये सब मेरी बिन्नू की समझदारी की वजह से होया सर। मानना पड़ेगा भाई साहब, छोरी ने तो कति कमाल कर दिया। यो तो कुछ भी ना है महेंद्र, छोरी ने तो कॉलेज में पढ़ने वास्ते स्कॉलरशिप भी मिल गई से। और जय ये उसने कॉलेज जाने की इजाजत दे देना तो छोरी तो बेरानी के करके दिखा देगी। क्या दिक्कत है भाई साहब, जान दो ना छोरी ने कॉलेज में। ठीक है, पर एक बात समझा देना उसे, मेरी इज्जत पे आंच नहीं आनी चाहिए। बॉक्सिंग रिंग में लड़ाई करते करते, हंसते गाते, मन लगा के पढ़ाई करते, और मेरे साथ कॉलेज की कैंटीन में चाय की चुस्की भरते भरते कॉलेज में 3 साल कद गुजर गए पता ही नहीं चलेया। और फिर उसके बाद आया वो दिन जिसका मैंने बचपन से इंतजार था। और अब हम स्टेज पर बुलाते हैं 3 सालों की टॉपर रही विनीता जयदेव चौधरी को। अरे यो के रोड़ा हो रहा है? अरे बलदेव, सुना है के मान का भाई जयदेव की छोरी ने बाप का नाम रोशन कर दिया। रमिक्की, इब क्या कर दिया या छोरी ने? कुछ ना चाचा, बस कॉलेज स्टॉप करया से। रे छोड़ के डिब्बे के मैं, तू भी कुछ करेगा के ना? करूंगा ना चाचा, अगले साल ब्याह और उससे अगले साल छोटा मिक्की। रे सुसरी निकम्मी लाग। वाह बिन्नू, तूने तो कमाल कर दिया। थैंक यू मैम। पापा क्या बोले? पापा,
पापा तो बहुत हैप्पी हुए, उन्होंने तो गले लगा के बोला कि शाबाश बिन्नू। अच्छा, बहुत हैप्पी थे पापा। बैठ। और अब इसी तरह अपना आईपीएस बनने के लिए मेहनत करती रहे और अपने पापा का नाम रोशन करती रहे। और तेरी ये जो जीत होगी ना बिन्नू, ये देश की हजारों लाखों लड़कियों को ये साबित करने का मौका देगी कि छोरियां छोरों से कम नहीं होती। यस मैडम, आई प्रॉमिस, मैं आईपीएस बन के दिखाऊंगी। गुड, अपना ध्यान रखना। मैं चलती हूँ मैम। फिर ये आपके लिए मैम, एक सेल्फी। हाँ हाँ, नहीं आप बैठो, आप बैठो। चल। ओ भाई, रमेश, नरेश, कमलेश, दिनेश। ए छोरी, यहाँ कोई नरेश वरेश ना है? कोई बात ना, देख भाई, रक्षाबंधन आने वाला है तो बहन की रक्षा करने के बजाय यो के कांड कर रहे हो, नॉट गुड। ए छोरी, चल भाग आते। तना बेरा नहीं, हम कौन से? ना भाई, इंट्रोडक्शन तो हुई ना अपनी। हम त्याड़ जिल का पानी पी के आ रहे से। अच्छा, पर लागे माँ का दूध पीना भूल गया। पर टेंशन ना ले, आज थारी वाह हालत करूंगी कि छोरी ने हाथ लगाना तो दूर, देखेगा भी ना। बास छोरी, घनी अच्छी एक्टिंग करी तन्ने, ये ले तेरा इनाम। बहुत बढ़िया। बढ़िया ही जमीन वापस लेने वाली। अरे भाई, जब इसका बाप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो ये क्या कर लेती। अब देखते हैं किस तरह बनती है यो आईपीएस। भाई साहब, घना शौक था ना इसने दूसरों के फटे में टांग अड़ान का। अब जब टांग टूटेगी ना तो पता चलेगा। देखिए, वो खतरे से तो बाहर है, लेकिन उसके हाथों पैरों में काफ़ी चोटें आई हैं और उसके राइट हैंड के बारे में कुछ कह नहीं सकते। आई एम रियली सॉरी।
बेचारी छोरी अब किस तरह अकेले जीवन काटेगी। अरे मन ने तो यहां तक भी सुन रखा है कि छोरी ने पुलिस में भर्ती होने खातर फार्म भी भर रखा था, पर अफसोस अब भर्ती तो दूर की बात, इस छोरी का ब्याह हो जाए यही बड़ी बात। ठीक कहा भाई साहब, यह छोरी तो अब चौधरी के लिए जीवन भर का घात होगी, जाने अब कौन इसी टूटी फूटी छोरी का हाथ थामेगा। मैं करूंगा बिन्नूत शादी। मैं तो भूल ही गया था, घर जमाई तो पहले तो ही बुक कर रखा से। अल्टेव, बस बहुत हो गया, इससे पहला कि मैं तने धक्के देके बाहर निकलवाऊं, खुद चला जा। इसने क्या वैसा कर चुक भाई साहब, एक तो हाल पूछना हो ऊपर ते बेइज्जती करवाओ। चलो भाइयों, चलो चलो भाई। बिन्नू, यो दे, तेरी वो आईपीएस मैडम ने उन सब छोरों को जेल की सड़कों के पीछे डलवा दिया। न्यूज सभी से। क्यों या? तू मेरे से शादी करके एहसान करना चाहता है कि? मने किसी के एहसान की जरूरत ना है, कान खोल के तू सुन ले। बिल्कुल चुप, नहीं तो मैं दूंगा कान के नीचे एक और शब्द बोली तो। अरे मैं तेरे तो एहसान नहीं कर रहा, मैं बचपन से सबने बेरा है तने कितना प्यार करूं मैं। अरे तू कुछ भी बकवास कर ले, मैं तेरा साथ ना छोड़ने वाला। यू रो के खुद को कमजोर ना कर, तू तो मेरी बहादुर बेटी है ना। पता है बिन्नू, जब 1962 में तेरे इस दादा के पैर के ठीक बीच में गोली लगी तो डॉक्टर की बोलिया कि आज के बाद मैं कभी भी ना चल पाऊंगा, पर तेरे इस दादा ने हिम्मत ना हारी, खुद पर से यकीन ना छोड़ा, और आज देख तेरे पापा ने भी दौड़ में हरा दूस। तेरा दादा होके मैं हिम्मत ना हारा तो तू उसकी शेरपोती होके हिम्मत हार गई। मेरी एक आखिरी बात मान ले बेटा, अपने मकसद ने ना छोड़, अपने मकसद ने हर हाल में पूरा कर। सिर्फ 7 महीनों के भीतर बिन्नू ने अपने शरीर की सारी कमजोरियों को हरा के और कड़ी मेहनत करके आईपीएस का एग्जाम भी दे दिया था, और आज वह दिन था जब सब बेसब्र होके आईपीएस एग्जाम के रिजल्ट का वेट कर रहे थे। रे पुत बनके के खड़ा सा है, ये रिजल्ट आया जल्दी बता। बस 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 भाई ये रो, आ गई एकेडमी। सर वो विनीता चौधरी फ्रॉम दिनारपुर, फाइल ये लीजिए। थैंक यू। यो से तेरे कमरे की चाबी, 6 नंबर कमरा से है। चलूं सु फिर? हाँ? चलूं सु? सुन, हाँ? वो ध्यान रखिए अपना, और टाइम से खाना पीना कर लिए, ये नहीं कि ध्यान ही नहीं दे रही बिल्कुल। ठीक से
देखो मैं ट्रेनिंग तू बोल बोल न्यू गहरा ट्रेनिंग में मन लगाई है अपना और मन ने ज्यादा यादवाद मत करिए तू हैं मकब बहुत याद भी आए तो फिर फोन कर लिया मैंने फटा जाऊंगा तेरे से मिलने ऑल द बेस्ट थैंक यू तू ना सुधरेगी